दोस्तों, आज के इस वीडियो में आपको बताने वाला हूं कि यदि आपका फ़ोन कहीं चोरी हो जाता है या फिर कोई भी व्यक्ति, अगर आप कहीं फ़ोन को चार्ज में लगाए हैं, अगर आपके कोई भी गलत पैटर्न या पासवर्ड आपके फ़ोन का डालता है, तो उसका फ़ोटो आपके ईमेल आईडी पे आ जाएगा। उसका जो सामने वाला जो कैमरा है, ये फ़ोटो उसका खींच लेगा और इसके ज़रिए से आपको ईमेल आईडी पे भेज देगा और आपको ये पता चल जाएगा कि आपके फ़ोन को किसने छेड़ा है। तो इसके लिए दोस्तों एक बहुत ही सुपर एप्लीकेशन है, बहुत ही सुपर टाइप की एप्लीकेशन है जिसके मदद से ये सब हो पाएगा। तो दोस्तों बहुत ही ज़्यादा लेंदी सेटिंग है, अगर आप इस सेटिंग को नहीं समझोगे तो आपको ये वीडियो समझ में नहीं आएगा और ये ट्रिक कार नहीं करेगी। तो इसीलिए आप इस वीडियो को पूरा ध्यान से देखना। मैं आज की इस वीडियो में बताऊँगा कि इस एप्लीकेशन को आप कहाँ से डाउनलोड करोगे और उसमें कैसे कैसे सेटिंग करने हैं। तो चलिए दोस्तों वीडियो करते हैं स्टार्ट। वीडियो स्टार्ट करने से पहले मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगा, अभी तक वीडियो को लाइक नहीं किए तो सबसे पहले वीडियो को लाइक करें। पहली बार चैनल पर आए तो चैनल को सब्सक्राइब करके इस बेल आइकन को दबा के यहाँ पे ऑल प्रेस करें ताकि जब भी नया वीडियो डालूं तो सबसे पहले आपको मिले। आप इस शेयर वाले बटन पर क्लिक करके आप इस वीडियो को शेयर कर सकते हैं अपने मित्रों के साथ। और जो टाइटल, जब आप इस पर क्लिक करोगे तो यहाँ मिल जाएगा ऐप लिंक, यहाँ से आप इस एप्लीकेशन को डाउनलोड कर लेना और नीचे आपको एक प्यारा सा कमेंट करना है, फ़ोन ट्रिक। ठीक है, इतना सारा काम करने के बाद आपको उस एप्लीकेशन को जो है कि आपको अपने फ़ोन में डाउनलोड करने के बाद उस लिंक से ओपन करना है। ठीक है, ओपन करने के बाद यहाँ पे इस तीर वाले बटन पे क्लिक करना है। उसके बाद यहाँ पे आपको एक्टिव नाउ पर क्लिक करना है और यहाँ पे आपको एक्टिवेट कर देना है। यहाँ पे एक्टिवेट करना है तो इसमें आपको एक कोड डाल देना है जो भी, उसके बाद यूज पर क्लिक करना है और उसके बाद एक्टिवेट वाले बटन पर क्लिक करके एक्टिवेट कर लेना है। उसके बाद आपको नेक्स्ट करना है। उसके बाद आप चाहते हैं कि कितने लिमिट, अगर वो पासवर्ड एक बार गलत डाले तो उसका फ़ोटो आए या फिर दो बार, तो मैं चाहूँगा कि एक बार ही मौका उसको दूँ मैं। ठीक है, तो एक बार यहाँ पर करने के बाद यहाँ पर फिर से नेक्स्ट कर देना है और उसके बाद आपको यहाँ पे एक्टिवेट मेल, चाहें तो आप यहाँ पर अपना मेल डाल सकते हैं ताकि उसका मेल का फ़ोटो आ जाए, तो ये डालना ज़रूरी है। अगर आप इसको डालना ही है तो इस पर आपको अलाउ कर लेना है। ठीक है, उसके बाद यहाँ से मैं मेल अपना जो कि यहाँ पर मैं सेलेक्ट कर लेता हूँ। ठीक है, सेलेक्ट करने के बाद यहाँ पर एक्टिव नाउ पर क्लिक करता हूँ और यहाँ पर अलाउ करता हूँ। ठीक है, उसके बाद यहाँ पर नेक्स्ट करता हूँ और यहाँ पर परमिशन आप दे दीजिए कैमरा को, क्योंकि फ़ोटो तभी खींचेगा जब आप कैमरा के परमिशन को अलाउ करेंगे। उसके बाद यहाँ पर देखिए सारी चीज़ें हो चुकी है, ट्राई इट नाउ। ठीक है, अब यहाँ पर मैंने जो कि कर दिया, अब यहाँ पर मैं पासवर्ड अगर गलत डालता हूँ सपोज, ठीक है, मैंने गलत डाल दिया, यहाँ पर फ़ोटो खींच दिया होगा इसने। अब चलिए मैं ट्राई भी कर लेता हूँ कि फ़ोटो उसने खींचा कि नहीं। यहाँ पर देख सकते हो दोस्तों, ये फ़ोटो यहाँ पर आ चुका है, यहाँ देख सकते हैं मैं वीडियो बना रहा हूँ, ये फ़ोटो आ चुका है, यहाँ तक ईमेल आईडी पे भी आ चुका होगा। यहाँ पर आप देख सकते हैं, मैं अभी आपको दिखा देता हूँ, ईमेल आईडी पे भी आ चुका होगा। थोड़ा सा ईमेल आईडी पे लेट आता है लेकिन आ जाता है। यहाँ पर देखिए, आपको यहाँ पे इन्फॉर्म कर दिया है चेक एक्टिविटी को। अब यहाँ पर मैं रिफ्रेश अगर करूँगा तो यहाँ पर कुछ टाइम के बाद मेल पर आता है, लेकिन मेल पर आ जाता है यहाँ पर। ठीक है दोस्तों, तो इस तरीके से आप देखिए यहाँ पर आ चुका है। ठीक है, मैं कह रहा हूँ ना, थोड़ा लेट आता है लेकिन आ जाता है। तो इस तरीके से दोस्तों यहाँ पर आप देख सकते हैं सारी चीज़ें यहाँ पे आ गई है, उसकी फ़ोटो भी आ जाएगी और सबसे बड़ी बात है कि उसकी लोकेशन भी आ जाएगी। आप देख सकते हैं फ़ोटो आ चुकी है और साथ ही साथ उसका लोकेशन भी आपको मिल जाएगा कि ये किस लोकेशन में आपका जो कि किस लोकेशन से जो कि आपका ये हुआ है। तो इस तरीके से आप जो कि जो भी आपका फ़ोन कोई चोरी करेगा तो उसका लोकेशन और फ़ोटो दोनों आ जाएगा।